गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। लेकिन उससे पहले फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं कि पी एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। ए एक रियल नंबर है, ए हमने कोई भी एक रियल नंबर माना। इफ दिस पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। मतलब अगर ये x माइनस एट से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर जो होगा वो हमें कैसे मिल जाएगा? इस डिवाइड कर, ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं डिवाइड ना भी करूँ, केवल a की वैल्यूज इस पॉलिनोमियल में रख दूँ, तो भी मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं डिवाइड करके देखता हूँ, इसको आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस साइन चेंज करिए, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये आपके पास मिला माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, का मतलब मिला आपको माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मिला आपको माइनस एक्स। अब आप इसमें प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास मिला माइनस एक्स। यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का 2x, और यहाँ से मिला आपको प्लस का 2। माइनस 2x चाहिए, ये 2x, तो अगर मैं प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाता है आपका 2x माइनस 2। ये भी 0 और ये भी 0, तो रिमाइंडर क्या मिल गया मुझे यहाँ पर? ये मेरा रिमाइंडर है 0। मैं इसे डिवाइड करके मुझे जो है इसका रिमाइंडर, इसका 0 मिला। लेकिन अगर ये कहता है कि अगर ये डिवाइड करूँ मैं, तो ये जो रिमाइंडर मुझे 0 मिला है, ये रिमाइंडर का मुझे बिना इस इतना बड़ा लॉन्ग डिविजन ना करने नहीं करना पड़े, और अगर मैं सिंपली a की वैल्यू पुट कर दूँ इसमें तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन a की वैल्यू कैसे पुट करूँगा? यहाँ पर ये है x माइनस 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको बताया गया था कि ये a है, ए का मतलब तो ये हुआ कि एक्स माइनस ए, हम कह रहे हैं यहाँ पे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का मतलब एक्स माइनस। अब ये जो ए है ये इसका मतलब प्लस वन होगा, तभी तो ये एक्स माइनस ए की वैल्यू होगी। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये है ए की वैल्यू 1। या दूसरे तरीका जिससे मुझे ए की वैल्यू मिल जाए वो ये है कि मैं सिंपली से पुट कर दूँ 0, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो अब ये भी a की वैल्यू निकल गई। तो हम सिंपली ऐसे पुट करते हैं कि x माइनस 1 को 0 पुट कर लीजिए। पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1, और ये मेरी किसकी वैल्यू है? ये है मेरी a की वैल्यू, जो a हम मान रहे थे। अब इसको क्या करें, इस 1 को इसमें मैं अगर पुट करता हूँ, तो जब मैं 1 को इसको पुट करता हूँ, यहीं पे पुट कर लेता हूँ इसे p 1, तो मेरे को ये देता है 1 का क्यूब 1 माइनस 2, 1 1 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 2, 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, मुझे आंसर मिल गया 0। तो मुझे इतने डिविजन करने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली a की वैल्यू वहां पे पुट करूँ तो मुझे आंसर मिल जाता है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहां तक समझ आया होगा? या अब आप इसमें एक दो चीज और समझिए। इससे पहले अगर ये मेरा पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको मैं यहां पे रख के देखता हूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक्स माइनस 1 आपको कोशेंट मिला था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और जब आपने इसे किया तो रिमाइंडर आपको इसका मिल गया था कितना? 0। तो इसका मतलब यह होता है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, जो कि क्या है, डिविडेंड है, इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर आपका x माइनस 1, ये क्या है, डिवाइजर है जिसने डिवाइड किया, इनटू ये क्या है आपका, कोशेंट है, ये आपका
क्वेश्चन है, प्लस ये जो जीरो मिला इसमें आपको, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर है। इसका मतलब अगर मैं इसे लिख दूं पी एक्स, इसको लिख दूं, ये तो मेरा एक्स माइनस वन ही है, और इसको लिख दूं क्यू एक्स, और ये मेरा जीरो है। अगर रिमाइंडर मुझे जीरो मिलता है, तो रिमाइंडर जीरो मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूं पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन या एक्स माइनस ए, ए कोई भी जिससे से मैंने एक्स माइनस ए जिससे से डिवाइड किया था इनटू, ये मिलता है क्यू एक्स। तो आपको ये दोनों जो हैं ये इसके फैक्टर्स होंगे, ये इसके फैक्टर्स होंगे, और अगर ये फैक्टर्स हैं इसके, अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, अगर फैक्टर्स हैं तो ये इसे कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, तभी तो रिमाइंडर इसे कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो इसको कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर पुट करो तो इसकी वैल्यू मुझे निकल सकती है। क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिस इज डिवाइडेड बाय, फर्स्ट में दिखा है x प्लस 1। अगर ये डिवाइड होता है x प्लस 1 से, अगर ये डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू माइनस वन, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल था पी एक्स। अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक्स की जगह इसको रखता हूँ, तो ये मेरा जो पी एक्स है जो कि है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसमें एक्स की वैल्यू को माइनस वन रखता हूँ, पॉलिनोमियल एक माइनस वन में करता हूँ, तो ये माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन मल्टीप्लाई प्लस वन, जो कि आपको देता है माइनस वन का क्यूब करेंगे माइनस वन ही आएगा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर करेंगे प्लस वन आएगा, तो वो हो गया आपका थ्री माइनस सब मल्टीप्लाई करेंगे थ्री प्लस वन इजिकल टू जीरो। तो उसने कहा था फाइंड द रिमाइंडर, तो हमको रिमाइंडर क्या मिल गया इसमें, जीरो, रिमाइंडर इज जीरो। अब सेकंड है आपको दे रखा है इसमें, और सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है एक्स माइनस वन बाई टू, एक्स माइनस वन बाई टू, तो वही पुटिंग एक्स माइनस वन बाई टू इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू वन बाई टू, आप पॉलिनोमियल जो है ये हो जाएगा वन बाई टू से, तो ये सब जगह वन बाई टू का क्यूब प्लस थ्री वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन बाई टू प्लस वन, ये हो जाएगा आपका वन, और ये हो जाएगा एट, ये हो जाएगा आपका थ्री, ब्रैकेट के अंदर हो गया वन बाय फोर प्लस मल्टीप्लाई होने पे थ्री बाई टू प्लस वन, ये आपका है वन बाई एट प्लस थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई टू प्लस वन, ये हो जाएगा आपका एट, ये हो जाएगा आपका एट, ये होगा वन प्लस फोर टू जा एट, तो दिस इज टू थ्री जा सिक्स
प्लस टू फोर जाए तो फोर से जा 12 प्लस वन, दिस इज 12 प्लस सिक्स 18 प्लस वन 19 बाई एट प्लस वन इज इक्वल टू 19 प्लस एट अपॉन एट, दिस इज 27 अपॉन एट, रिमाइंडर इज 27 अपॉन 8। अब थर्ड पार्ट दिया हुआ है x, और आपसे बोला गया इसका रिमाइंडर निकालिए। अब आप जानते थे कि आपको जो दिया जाता था वो कहता जाता था कि लीनियर पॉलीनोमियल x माइनस ए से डिवाइडेड है, x माइनस ए से डिवाइडेड। अब अगर आप x माइनस ए से डिवाइडेड कहते थे और आपको x दे रखा है, तो इसका मतलब आप पक्का समझिए कि यहाँ पर जो a होगा, यहाँ पर जो ये a है इसकी वैल्यू 0 होगी, तभी तो ये x मिलेगा। या आपको x तभी मिल सकता है जब या तो x माइनस 0 हो ये या x प्लस 0 हो। इसका मतलब यहाँ पर जो a है, a की वैल्यू क्या है, 0 है। और अगर मैं 0 को x माइनस 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। तो मैं यहाँ पे p 0 जब रखता हूँ, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो आपको मिलेगा रिमाइंडर। इसमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। अब फोर्थ पे आता हूं मैं, एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई, और माइनस पाई है तो हम ये पी ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई को रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई का होली स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई प्लस 1। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये होता है माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, ये हो गया पाई क्यूब, ये हो गया माइनस 3 पाई स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस 3 पाई प्लस 1, यही आपका रिमाइंडर है। इसमें करते हैं तो 5 प्लस 2 x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो गया आपका जो है, ये समझिए आप, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2। यहाँ पुट करते जाइए p माइनस 5 बाई 2, ये x की वैल्यू माइनस 5 बाई 2 तो p x वो आ गया, x की जगह माइनस 5 बाई 2, यहाँ भी माइनस 5 बाई 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 5 बाई 2 का होली स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर माइनस 5 बाई 2 प्लस 1, ये हो गया आपका माइनस 125 अपॉन 8, ये हो गया आपका 3 ब्रैकेट के अंदर माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाएगा 25 अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 125 अपॉन 8 प्लस 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा आपका 75 अपॉन 4 माइनस 15 बाई 2 प्लस 1, इसका एलसीएम 8 होगा, तो ये आपका हो गया 8, और ये हो गया आपका माइनस 125, अब 4 2 जो 8, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 75 को, हो जाएगा 150, और ये होता है 2 4 जा 8, तो माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 60, ये बचा आपका प्लस 1, ये हो गया आपका माइनस 125 प्लस 150 माइनस 125 होगा आपका प्लस का 25 माइनस का 60 अपॉन 8 प्लस 1, ये होगा आपका माइनस 60 से 25 10 आपका होगा 35, वो भी माइनस का अपॉन 8 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 8 अपॉन 8,
इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा आपका 27 माइनस का 27 अपॉन 8, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय दिस। आपको बताया था पॉलिनोमियल का डिवीजन करना हो तो लॉग डिवीजन की जरूरत नहीं, अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना है तो मुझे इसको, इस वैल्यू को जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर देना है सॉल्यूशन। तो आपको पता था आप इसे क्या करेंगे, पुटिंग एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, इससे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ए। इसलिए ही मैंने इसे जीरो के बराबर किया ताकि मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाए, ए। अब इस वैल्यू को मुझे कहाँ पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना है। पॉलिनोमियल क्या है आपका, पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स वेरिएबल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, इसमें मैं पुट कर दूंगा एक्स की जगह ए, तो हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस ए ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सिक्स ब्रैकेट के अंदर ए माइनस ए, ये होगा आपका ए क्यूब माइनस ए क्यूब, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो आपके पास मिलेगा आपको फाइव ए। ये क्या होगा, फाइव ए इज द रिमाइंडर, व्हेन आफ्टर फाइंड द रिमाइंडर, तो फाइव ए इज द रिमाइंडर, ये आपका आंसर है।